हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरी चैनल लक्की सिंह एचआर चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं शनगन वीज़ा की। शनगन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको फाइल कैसे तैयार करनी होती है, तो किन किन चीज़ों की आपको फाइल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, आपको वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो आज हम बात करते हैं दोस्तों शनगन वीज़ा के लिए आप कैसे अपनी फाइल रेडी कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए तो आज हम शनगन वीज़ा के लिए जो हमने वीडियो आपकी तैयार की है तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शनगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए, यानी कि 2 ब्लैंक पेज खाली होने चाहिए, 2 पेज खाली होने चाहिए आपके पासपोर्ट में और 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों आपकी फ़ोटो 35x45 की, ज़्यादातर यूरोप की जो कंट्रियां हैं उसमें रिक्वायरमेंट 35x45 की होती है ज़्यादातर, और वाइट बैकग्राउंड के साथ बेस्ट होगा। मैट पेपर लगा हो तो उसमें थोड़ी सी फ़ोटो अच्छी रहती है, और उसमें आपका जो फेस होता है 70-80% आपका फेस हो। और इसके साथ दोस्तों आपकी 3 साल की ITR यानी कि रिटर्न, आपको 3 साल की रिटर्न चाहिए होगी। और जो भी लोग ITR नहीं भरते हैं, तो अगर आप शनगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ITR भरना शुरू कर दें। 3 साल की, 2 साल की भी चल जाती है, काफ़ी कंट्रियां हैं क्योंकि शनगन एरिया में आपको पता है 26-27 कंट्रियां हैं दोस्तों, तो किसी कंट्री में 2 साल की भी आप लगा सकते हो, बट बेस्ट यही होएगा कि आप 3 साल की ITR लगाएं। तो इसके साथ आपकी बिजनेस प्रूफ, आपका बिजनेस क्या है, ठीक है दोस्तों, आपका बिजनेस प्रूफ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन वो चाहिए होएगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी सेविंग की 6 मंथ की, बेस्ट होगा दोस्तों आप 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाएं बैंक, और आपका जो करंट अकाउंट है उसकी भी 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाएं, ठीक है दोस्तों। करंट अकाउंट में कई बार हम स्लिपें वगैरह मिलती हैं, ITR भरते हैं करंट के भी, तो वो भी साथ लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आपकी होटल बुकिंग, होटल बुकिंग आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो, तो उसके बीच में होटल बुकिंग आपने कन्फर्म करानी है, या फिर बेस्ट यही होगा कि आप कन्फर्म कराएं। बहुत सी ऐसी वेबसाइटें हैं जो बाद में कैंसिल भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एयर टिकट, होटल बुकिंग के बाद दोस्तों बात आती है एयर टिकट की। एयर टिकट दोस्तों आप डमी भी लगा सकते हो, PNR नंबर होना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि कन्फर्म टिकट लगाएं, क्योंकि अगर हम, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता है कि अगर वीज़ा नहीं मिलता तो आपको एयर टिकट कैंसिल करानी होती है, तो उसमें काफ़ी हमारे पैसे ख़राब हो जाते हैं, जिससे जो रिफ़ंड हमें पूरा टिकट का नहीं मिलता। तो आप कोई बात नहीं, उसको बोलो कि जैसे होल्ड पे टिकट किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप अपनी होटल बुकिंग के साथ अपनी एयर टिकट जो होती है वो बनवा लें, डमी टिकट भी बोल सकते हैं, PNR कन्फर्मेशन नंबर भी होता है, वो बनवा लें, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपको दोस्तों चाहिए होएगा वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने जिस कंट्री जाना है यूरोप की, तो आप वहाँ का, उस कंट्री का गूगल से सर्च करके VFS की वेबसाइट पे जाके वहाँ से वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसको भर लें। वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको अपनी एक अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेके रख लेना, और आपको ट्रैवल आइटनरी भी साथ को आपको अपनी फाइल में लगानी है, डे टू डे, जितने दिन के लिए, बेस्ट यही हो कि आप 10 दिन से ज़्यादा अपना ट्रैवल प्लान ना बनाएं, 7 डे का प्लान रहे, 8 डे, और डे टू डे
जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं अपने ट्रैवल आइटनरी में उनको दिखाएं, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से अपना प्लान उनको दिखाएं कि कैसे आप जा रहे हैं, कैसे आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी अपने बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें कि ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस, ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, अपने उसके अंदर कवर लेटर भी जिसको बोलते हैं, अपना कवर लेटर से अपने आइटनरी के साथ लगाएं। तो अपना कवर लेटर अच्छे से बना के अपना आपका जो बिजनेस है, आप क्या करते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छी तरह से दें। तो दोस्तों ये ट्रैवल आइटनरी, अपना कवर लेटर और ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में लगेगा दोस्तों। आपके ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो यानी कि 30,000 यूरो का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी आप किसी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हो, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, 500, 1000, 1000, 2000 में मिल जाता है वन पर्सन का, ठीक है दोस्तों। अगर कपल जाना है तो कपल साथ में लग सकता है, बच्चे जाना है तो उसके लिए भी आपको फाइल थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अगर आप कपल जा रहे हो तो उसके लिए फाइल आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, वो मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। वैक्सीन सर्टिफिकेट, वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना, वैक्सीन सर्टिफिकेट, अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आपको के पास। और जब आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है तो जब आप जाओगे तो आपके पास PCR रिपोर्ट भी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ चीज़ें रह गई थी बीच में, वो मैं अब आपसे क्लियर कर लेता हूँ। जब आपको बैंक स्टेटमेंट, अगर आप अकेले जा रहे हो तो मिनिमम आप 6 लाख आपके पास कम से कम 6 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे एकदम से डाल देंगे उस अकाउंट के अंदर, ऐसा नहीं है। बेस्ट यही होगा कि आप उसको थोड़ा चेक के थ्रू, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी होनी चाहिए ताकि किसी एम्बेसर को ये ना लगे कि आपने वीज़ा के लिए अपनी स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है दोस्तों। और आपका सेविंग का जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें से 5 से 6 लाख पर पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। अगर कपल जा रहे हो तो आप 8-9, अगर एक दो आपके चिल्ड हैं साथ में तो 1-2 लाख उसका और फंड दिखा दो, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके पास FD है, RD है, LIC है, वो भी साथ में लगा सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो आपके नाम है तो आप उसमें भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनवा के अपनी साथ में लगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मिनिमम डॉक्यूमेंट हैं जो हर पर्सन को, चाहे हम यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हर किसी की फाइल में तकरीबन ये पेपर लगते ही हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हो इन कंट्रियों में, यूरोप, कनाडा या US वगैरह, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आप मिनिमम इन पेपरों की अपने जो फाइल है ये इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके पास जैसे फाइल कंप्लीट होती है तो आप अपॉइंटमेंट लें, और अपॉइंटमेंट लेके अगर आपको दिल्ली लगता है, न्यू दिल्ली, जहाँ पे भी आपको VFS सेंटर लगता है उस कंट्री का, तो आप वहाँ पर अप्लाई करें और दोस्तों अपना वीज़ा लेने में अपनी कोशिश करें। तो दोस्तों आज बताना दोस्तों आपको हमारी वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आते रहें। तो दोस्तों प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आगे हम दोस्तों आपको और काफ़ी सारी कंट्रियों के ऊपर नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो दोस्त प्लीज़ थैंक्स सपोर्ट, थैंक्स, बाय बाय।